नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी के एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ वन अग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों से तत्परता के साथ जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पेयजल व्यवस्था के साथ ही सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चार धाम यात्रा शुरू हो रही है और कल केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानस खंड यात्रा भी चल रही है। राज्य सरकार सभी यात्रियों की हर सुविधा का पूरा ध्यान रखेगी और सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी फॉरेस्ट फायर, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ये शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए चूँकि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में ना हो क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीज़न मई और जून महीने का काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है, तो उस पर भी हमने बात की है। और जो भी आपदा से संबंधित तैयारियां हो सकती हैं उन सब पर बात की है कि हमें सब कामों के लिए तैयार रहना है।